हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल WVC मैथ सॉल्यूशन। माय नेम इज स्नेहा गिरी। वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर 14, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास 9th, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया विद द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और हमने क्वेश्चन नंबर 5th तक कर लिया था। और आपके इस चैप्टर में 6, 7, 8, आई थिंक 8 तक ही है। 8 तक ही है, तो 8 का लास्ट पेंटागन ड्रॉ करना है, पेंटागन के साथ ट्रायंगल ड्रॉ करना है, वही लास्ट है। तो आज इस वीडियो में मैं ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करूंगी, तो वीडियो को अंत तक और पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो गेम्स या फिर इधर उधर की चीजें देखने से अच्छी है कि हम अपनी स्टडी पे ध्यान दें। और अगर यूट्यूब हमें ये प्रोवाइड करा रहा है तो हम उसका लाभ उठाएं, जिससे हमारी स्टडी कंटिन्यूअस बनी रहे, क्योंकि स्कूल वैसे भी ऑफ चल रहा है। अगर स्कूल चलेगा फिर भी अगर आप किसी भी मैथ्स में स्टक करते हैं तो आप यहाँ से कोई भी सोल्यूशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि आपको बस सोल्यूशन करना है, आपको समझना भी है। और यहाँ आपको पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि समझाने कि आपको अच्छे से समझ में आए, हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 में क्या है, ड्रॉ अ स्क्वायर विद द साइड 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। एक स्क्वायर ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का और उसके एरिया के बराबर एक त्रिभुज मतलब कि ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। 6 सेंटीमीटर हम नीचे एक आधार ले लेंगे, ठीक है, बेस में। तो यहां मैं खींचती हूँ 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 0 और ये है 6, दोनों को मिलाएंगे 6 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम नहीं दिया हुआ है, मैंने पी क्यू ले लिया, पी क्यू, ओके। उसके बाद कंपास में यही 6 सेंटीमीटर फिल करना है। नहीं, पहले 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि स्क्वायर का सारा एंगल 90 होता है, तो कहीं भी बना सकते हैं। तो हम पी पे बनाते हैं, ठीक है, इस तरह आर्क लेना है, कोई भी आर्क, बड़ा छोटा जैसे भी आप लोग बनेगा, 90 एक ही जैसा हमेशा, ठीक है। फिर यहाँ रख के 60 हो गया, ये 120 होता है इधर, और फिर घुमाएंगे इसको इधर, कॉपी को घुमा सकते हैं, इजीली बनता है, ठीक है। तो अब इसे क्या करना है, मिला देना है पी के साथ मिलाते हुए आगे बढ़ाया हमने, ये क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल। अब ये 6 सेंटीमीटर जो है, ये 6 सेंटीमीटर हमें कंपास में फिल करना है, कि चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो 6 सेंटीमीटर में कंपास में फिल कर लिया। अब यहाँ से हमें 6 सेंटीमीटर यहाँ कट करना है। मैंने काफी ऊपर बना लिया, इतना ऊपर नहीं बनाना चाहिए था। तो ये अब यहाँ पे ये मिला, ये कट मिला, और 6 सेंटीमीटर बिना हिलाए हमें इधर भी कट करना था। और इस कट पॉइंट पे रख के, इस कट पॉइंट पे रख के हमें यहाँ कट करना है, ठीक है। अब ये जो कट मिला इसे हमें क्यू को मिला देना है, तो ये बन गया हमारा क्या, वर्ग स्क्वायर, इस तरह। अब इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो ये पी क्यू आर नाम दे दिया मैंने, आर एस, पी क्यू आर एस, हमें क्या मिल गया, एक स्क्वायर मिल गया। अब इसके एरिया के बराबर एक ट्रायंगल हमें बनाना है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाने के लिए कोई भी एक डायगोनल को हमें मिलाना होता है। तो मैं इधर बनाना चाहती हूँ, मैं डायगोनल एस क्यू को मिलाती हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर लिखने के लिए होगा तो आप ये लिख सकते हैं कि ज्वाइन एस क्यू, ठीक है, एस क्यू को ज्वाइन करेंगे डायगोनल को। अब हमें क्या करना है कि एक पैरेलल लाइन खींचना है आर से, ठीक है, आर से होते हुए एस क्यू की पैरेलल एक लाइन खींचना है। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए कोई एक आर्क लेंगे और क्यू पे रख के इस तरह कट करेंगे, बिना हिलाए आर पे रखेंगे, आर पे रखकर इस तरह कट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस आर्क को हमें फिल करना है, ठीक है, इसे हमें फिल करना है कंपास में, यू इसे पैरेलल लाइन खींचना मैंने पहले भी सिखा रखा है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक चैप्टर में पहले पैरेलल लाइन ही दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह खींचना है हमें ऐसे।
अब इस आर आर से हमें मिला देना है, इसको आर से मिलाना है बहुत ही सावधानी के साथ। एग्जाम में इसे आप पहले करने की कोशिश करें। मैं जब एग्जाम देती थी तो मैं इसे लास्ट में, कई बार मैंने अटेम्प्ट किया था तो क्या होता था कि मेरे लास्ट में हाथ कांपने लगता था टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि मेरे सा मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे इसी वजह से। तो मैं नहीं चाहती कि वो गलती आप भी करो। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स दे दिया नाम, और ये अब जो ये है यहाँ ई नाम देते हैं, ठीक है, नहीं पी क्यू आर एस टी नाम देते हैं। अब इसे एस टी को मिलाएंगे हम, ठीक है। जब एस टी को मिलाएंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जो त्रिभुज है, वो हमें मिल जाएगा। तो ये हमने एस डी को ये मिला दिया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा कि वर्ग स्क्वायर पी क्यू आर एस इक्वल्स ट्रायंगल एस पी टी, एस पी टी, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हुआ एस पी टी। ये जो लंबा बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ऑफ विच एडी एंड बीसी आर द परपेंडिकुलर साइड, एंड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए डी इज 7 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, एंड ड्रॉ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विच वन एंगल इज 30 डिग्री। जिसका एक एंगल 30 डिग्री हो वैसा एक ट्रायंगल बनाना है जो इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, चलो वो करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो दिया हुआ है बी सी मैंने 4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर यहाँ खींच लिया, 5 सेंटीमीटर ए बी खींच लिया, ठीक है। आधार पे मैं सबसे लंबी भुजा लूंगी 7 सेंटीमीटर वाला, मतलब कि बेस में, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ ड्रॉ करते हैं हम 7 सेंटीमीटर। जब भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो तो कॉपी के बीचों बीच ही ज्यादा सही होता है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया 7 सेंटीमीटर का, इसका नाम दे दिया हमने क्या, ए डी। अब ए डी पे क्या लिखा हुआ है कि ए डी एंड बी सी आर द परपेंडिकुलर साइड ए बी, ठीक है। तो हमें क्या ड्रॉ करना है, ए बी ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर साइड होगा किस पे, ए डी और बी सी पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए बी ऐसा ड्रॉ करना है जो कि 90 डिग्री का हो, तो हम एकदम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। चलो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ए पे रखेंगे इस तरह, ये हो गया 60, ये हो गया 120, 90 के लिए खींचा मैंने, अभी दूसरा जो कट हो गया ये हो गया 90। अब इस कट को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये हमें परपेंडिकुलर मिल गया। अब इधर कहीं पे बी होगा तो ए बी हमें इधर खींचना होगा, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे भर लेना है कॉम्पास में इस तरह, 5 सेंटीमीटर हमने भर लिया, और ए पे रख के यहाँ कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी, ठीक है। तो हमें मिल गया ये बी, ए बी हो गया। अब हमें क्या खींचना है, बी सी भी, हाँ बी सी खींचना है, तो ए बी परपेंडिकुलर हो गया, बी सी पे भी परपेंडिकुलर था, ए डी पे भी था, तो बी सी यहाँ होगा, ठीक है। बी सी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है बी सी, तो बी सी को फिल कर लेंगे। बी सी को हमने फिल कर लिया, यहाँ पे हम कट करेंगे इधर से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी मैंने क्वेश्चन रॉन्ग पढ़ा था, एक्चुअली जो है कि ड्रॉ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी ऑफ विच ए डी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर, ए डी एंड बी सी, तो ए डी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए डी मतलब कि ए पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था इस तरह, इधर से इस साइड में हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, और तो हमने यहाँ ड्रॉ कर कर लिया। हमें बी पे भी परपेंडिकुलर ही बनाना है, ठीक है, मतलब कि बी सी भी परपेंडिकुलर ही होगा, ए बी परपेंडिकुलर था, ए डी, ए डी तो सीधा ही है तो ये परपेंडिकुलर लाइन ही लग रहा है,
और साथ में क्या है, हमें बी पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बी पे भी बनाना है हमें। तो चलो बी पे 90 का एंगल बनाते हैं। वो भी एक आर्क ले लिया इस तरह, यहाँ रख के पहला कट इस कट पे रखेंगे तो हमें मिलेगा दूसरा कट। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा घुमा रही हूँ मैं कॉपी को, यहाँ और यहाँ रख के यहाँ। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं जो ज़्यादा वो हो ना, ज़्यादा टाइम टेकिंग हो, वो वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। तो अब बी से रख के इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अभी परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हुआ इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ओके, इस तरह। अभी जो हमें कट मिला उसे हमें क्या करना है कि ये हमें मिल गया बीसी, बीसी मिल गया है। अभी सीडी को मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, एक क्वाड्रिलेटरल। सीडी को हमने यहाँ इस तरह मिला लिया तो हमें मिल गया क्या, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी मिल गया। अब ड्रॉ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया विद दिस क्वाड्रिलेटरल। अब ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो इस एरिया के बराबर हो, तो हम जो सिंपली करते हैं वही करेंगे। क्या करेंगे, एक क्या खींचेंगे, डायगोनल खींचेंगे। ठीक है, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे सिंपली इस तरह। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ये ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें एक एंगल 30 डिग्री का होना ही चाहिए। तो एक एंगल 30 का बनाना है हमें। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो इसमें पैरेलल लाइन खींचना होगा, ये बीडी के पैरेलल में, जैसे हम सारे में करते आ रहे हैं उसी तरह का। तो पहले ये काम हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, सी से होते हुए जाएगा ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एंगल ही एक्चुअली होता है वो। ठीक है, तो यहां से हमने इस तरह खींचा। अब इसे कंपास में फिल करेंगे इस छोटे वाले को। ठीक है, इसे गिरा, फिल कर लिया हमने। अब यहां रख के कट लगाना है, कट मिला। अब इस कट को सी से मिला देना है और मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। जो कि बीडी के पैरेलल में है। अब इस एडी को हमें आगे बढ़ाना है, एडी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये एक्स, और इसका नाम देना है क्या, ई, है ना। और यहाँ पे हम इससे इसको मिला देते थे जनरली, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमें एक एंगल उस ट्रायंगल का 30 चाहिए। ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे इसको तो मिलाएंगे ही, ये हमने मिला दिया, लेकिन एक एंगल 30 का चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ए पे हम 30 का एंगल बनाएंगे, ए पर। ठीक है, ए पर हम 30 का एंगल बनाएंगे इस तरह, ले लिया। ठीक है, बिना हिलाए हुए यहां रखा और ऐसे। ठीक है, 60 का आधा होता है ना, 60 का आधा होता है 30। तो पहला कट होगा, सॉरी, आई एम सो सॉरी, पहले कट यहाँ ले लेंगे, ये हो गया 60। अब यहाँ रख के बिना हिलाए यहाँ रख के यहाँ काटेंगे और यहाँ रख के यहाँ, ठीक है, 60 पे रख के यहाँ कट करेंगे, तो ये मिल गया हमें 30। अब इस 30 को ए से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, इस तरह, जो कि बीसी को, बीसी के बड़े हुए भाग को एफ बिंदु पे काट रहा है, एफ नाम दे देंगे। ठीक है, तो हमें ट्रायंगल कौन सा मिला, हमें ट्रायंगल मिला, और एफ को किससे मिला देंगे, एफ को ई से मिलाएंगे। ठीक है, एफ को ई से मिलाएंगे, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल, हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इस केस में ये ट्रायंगल बन रहा है। चतुर्भुज कौन सा है, ABCD या ABCD कह सकते हैं, ABCD इज इक्वल टू ट्रायंगल AFE, AFE, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ओके।
तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज को देखे हो तो आप जरूर कर लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद कंस्ट्रक्शन चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ड्रॉ अ पेंटागॉन ए बी सी डी ई, ड्रॉ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया ऑफ इट एंड विच वन वर्टेक्स इज सी, मतलब एक शीर्ष बिंदु उसका सी होना चाहिए। एक हमें पेंटागॉन पंचभुज पहले बनाना है और उस पंचभुज के एरिया के बराबर हमें त्रिभुज बनाना है। तो चलो बनाते हैं पंचभुज। पंचभुज में 5 भुजाएं होती है पेंटागॉन में। तो पहले तो इसका जो आधार लेंगे वो इतना लंबा ले लेते हैं कि जो इनफ हो हमारे लिए, ठीक है। तो हमने इस तरह करके एक आधार यहाँ पे ले लेना है लंबा सा। हमें पता नहीं है कितना है क्योंकि कुछ भी दिया हुआ नहीं है कितना सेंटीमीटर क्या है क्या नहीं है, तो हमने ऐसे ही एक मान लिया। उसके बाद पंचभुज खींचना है। तो देखो एंगल्स टाइप का आपको लेना होगा, ये नहीं कि सीधा सीधा बना दिया। तो हमें इसे थोड़ा सुंदर सा बनाना है तो इस तरह खींचेंगे, इस तरह, ठीक है। कई बार मुझे भी मिस्टेक हो जाता है बट करना होगा इसी तरह कि एंगल सही रहे। ओके इस तरह 2 भुजाएं हमने खींच लिया, ये है तीसरी भुजा ये, और ये है पांचवी, 1 2 3 4, और ये पांचवी। तो पांचवी को इस तरह ले लेंगे। तो ये हमारा मिल गया क्या, पेंटागन, ठीक है। अब इसका हम नामकरण करते हैं। इसने क्या बोला है कि वन वर्टेक्स इज सी, ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए जिसका एक वर्टेक्स सी होना चाहिए। तो सी को हम ऊपर लेते हैं, ठीक है। यहां ले लेते हैं ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी ई 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 भुजाएं वाला हमने क्या बना लिया, पेंटागन बना लिया। अब हमें इसके एरिया के बराबर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका डायगोनल्स को मिलाना होगा। तो डायगोनल हम मिलाते हैं कौन सा, ई सी, है ना, सी से ई को मिलाना है इस तरह, ठीक है। एंड सी से ही ई ए को भी मिलाना है, ये हो गया, ठीक है। तो दोनों डायगोनल को हमने मिला लिया। अब हमें क्या करना होता है, एक पैरेलल लाइन खींचना होता है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, ये एक कोई भी आर्क ले लेते हैं ई पर, ई पे हम कोई भी आर्क ले लेंगे, और डी पे रख के हमें क्या करना है, इसी आर्क को बिना हिलाए हुए इधर को मूव करना है, ठीक है। अब इन दोनों को फिल करना है कंपास में, इन दोनों को फिल कर लेंगे इस तरह, ठीक है। अब यहां रख के जो कट था यहां रख के हमें इधर को कट करना है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, डी से मिला देना है, पैरेलल लाइन खींच गई, और ये किसके पैरेलल में है, ये है पैरेलल में सीई के पैरेलल में, हमने खींचा है ना सीई के पैरेलल में। तो इसका नाम, चलो नाम बाद में दे देंगे। उसी तरह इस साइड में करते हैं, सेम प्रोसेस। इस तरह हमने ले लिया आर्क, बी पे रखना है। अब यही सेम प्रोसेस यहां हमें करना है, ये हमने बिना हिलाए यहाँ एक खींचा आर्क, फिर इस बी पे रख के भी हमें वही आर्क को क्या करना है, घुमाना है ये इस तरह, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको फिल कर लेना है। पैरेलल लाइन खींचने के लिए जो जो करना है वो यहाँ पे भी हम करेंगे। ये हमने फिल कर लिया, और इस कट पे रख के, स्कर्ट पे रख के हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है कि मिला देना है, इस तरह ये मिल गया, ठीक है। अब इसका नाम दे दो, जैसे ए बी सी डी ई एफ और यहाँ जी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस जी को सी से मिलाना है और एफ को सी से मिलाना है, ठीक है। जी को सी से ऐसे, और एफ को सी से मिलाना, ऐसे। तो हमें कौन सा ट्रायंगल मिल गया, जी सी एफ, ठीक है, जी एफ सी या जी सी एफ। और पंचभुज कौन सा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इक्वल्स टू
पंचभुज एबीसीडी इक्वल्स टू ट्रायंगल जीएफसी, ये बड़ा सा ट्रायंगल। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पक्का ही आएगा, क्योंकि मैंने जब भी एग्जाम दिया है नाइन का, यहाँ तक कि नाइन टेंथ हमारा एक साथ था, तो टेंथ में भी मेरा ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो आएगा ही, और ये बहुत ही इजी है, और इसमें मार्क्स भी फुल मिलता है, 6 मार्क्स का होता है, पूरा 6 to 6 मिल जाता है। तो ये आप जरूर अटेम्प्ट करना एग्जाम में, और ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो चलो इसी के साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्लास 9 का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे हम, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, अगर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।